क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश वन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पपी एंड आई, तो उसमें पेज नंबर 19 में बुक भी देख लीजिए आप, कॉपी बुक पेंसिल अपने पास रखिए। तो हमने कल पपी एंड आई पढ़ा था, तो आपको याद होगा उसमें क्या था, एक बच्चा था वो जा रहा था, रास्ते में उसे कौन कौन मिले, एक मैन मिला, एक हॉर्स मिला, एक वुमेन मिली, रैबिट मिला। सभी ने उससे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे, तो बच्चे ने मना किया, लेकिन लास्ट में बच्चे को जो एक पपी मिला, तो बच्चे ने पपी से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, क्योंकि वो पपी कहाँ जा रहा था, हिल्स में जा रहा था खेलने के लिए। तो इसी में अब आप आगे बढ़िए, पेज नंबर 21 हमने ए पार्ट कर लिया था, आज हम करेंगे बी पार्ट जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ये करने के लिए एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें यहीं से ही मिलेगा रिवाइज, जब हम करेंगे तो ही फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। तो देख लीजिए, फर्स्ट देख लीजिए आप फिल इन द ब्लैंक्स का। द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम, वो आदमी कहाँ जा रहा था, विलेज में जा रहा था, तो क्या लेने जा रहा था, टू गेट सम ब्रेड। तो इसे मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, कॉपी में दिखाती हूँ, आप देख लीजिए इसे। ये देख लीजिए, सबसे पहले डेट डाल लीजिएगा, लेसन का नाम, और हम क्या कर रहे हैं, पार्ट बी है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये देख लीजिए फर्स्ट वाला, द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम, वो आदमी जा रहा था विलेज की तरफ, क्यों जा रहा था, वो जा रहा था ब्रेड लेने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड। नंबर टू, डैश वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम हे, हे लेने कौन जा रहा था, हे मतलब घास होता है, तो वो कौन खाने जा रहा था, लेने जा रहा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉर्स। थर्ड नंबर देख लीजिए, द रैबिट्स वर गोइंग टू द विलेज इन देयर डैश, द रैबिट्स है वो विलेज की तरफ जा रहे थे, क्या पहन के, ब्राउन फर कोट, जो उनके बाल थे वो पहन के जा रहे थे। फोर नंबर, पपी वॉज गोइंग टू द, पपी कहाँ जा रहा था, हिल्स पे जा रहा था। फाइव, द राइटर वेंट विद द, जो राइटर, जो ये आपको स्टोरी सुना रहे हैं तो वो राइटर होते हैं जो लिखते हैं बुक, तो वो किसके साथ गए, वो गए विद द पपी, पपी के साथ। तो इसी तरीके से आपने इसको अपनी कॉपी में भी करना है।